मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। मनीषा रानी के साथ मेकर्स इतने क्यों मीठे बन गए हैं? अभी आप बोलेंगे कि भाई मीठापन तो हमने देखा नहीं है, कड़वापन कड़वापन देख रहे हैं। कड़वापन तो देख रहे हो और गालियां भी मेकर्स को बहुत ज्यादा दे रहे हो, क्योंकि मेकर्स जो कर रहे हैं वो सही तो कर नहीं रहे हैं, बेकार ही चीजें कर रही हैं। पर मनीषा के साथ एक चीज अच्छी भी की है उन्होंने। एक बात बोलूं कि मनीषा को टारगेट किया, पर मनीषा की चर्चा जहां पर कम होती थी, मनीषा की चर्चा यहां पर बहुत ही गुना बढ़ चुकी है। वहीं पर मनीषा के बारे में कभी भी इतना अच्छे से ट्वीट किया नहीं जाता था। जियो सिनेमा ट्विटर हैंडल पे काफ़ी बार जो है कंटेस्टेंट के बारे में, अभिया के बारे में, अलविश के बारे में और फुकरा इंसान के बारे में कुछ ना कुछ बोला जाता है, पर मनीषा के बारे में बहुत कम। अब जो है मनीषा के बारे में बड़ा मीठा सा बोला गया है, जहां पर मनीषा के अलग अलग वीडियो, अलग अलग बाबू बाबू बोलते हुए उन चीज़ों को कट करके एक वीडियो बनाई गई है, जिसमें वो हर जगह पर बाबू बाबू बहुत प्यार से बोल रही है। बहुत ही अच्छी एक वीडियो बनाई है, जिस वीडियो को देख के आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। ऐसी बाबू बोलने वाली कोई तो हमें भी, हम भी डिजर्व करते हैं। ऐसा बाबू बोलने वाली हम भी डिजर्व करते हैं भाई। यानी कि मेकर्स को क्या, मेकर्स में से किसी को प्यार हो चुका है? अगर ऐसी बात बोलेंगे तब आप तो लगे, आपको लगेगा कि चलो यार रिलैक्स, अभी मनीषा के ऊपर से आंख तो उठी उनकी, पर आपके दिमाग के साथ भी तो खेला जा सकता है। आपके दिमाग के साथ ही तो खेल सकते हैं मेकर्स, कि भाई मेकर्स की चाल तो आप लोग समझ गए हैं कि मेकर्स क्या करने वाले हैं, और आपने वार्निंग भी दे दी है कि अगर ऐसा किया तो हम तो हिला के रख देंगे सोशल मीडिया और तुम्हारा शो भी नहीं देखेंगे कभी, जिस तरीके से जो चीज़ें तुम करते हो। पर अभी अभी मीठा बनने की कोशिश मनीषा के साथ नहीं, मनीषा के फैंस के साथ करें, कि मनीषा के फैंस जो है वो मेकर्स के ऊपर ट्रस्ट करें और इनका दिमाग कहीं और लग जाए, जहां हम लगाना चाहते हैं। समझ रहे हैं बात को? हालांकि मनीषा को वोट करना मत छोड़ना, वोट करते रहो। कोई मीठापन तब तक नहीं जब तक मनीषा नॉमिनेशन से बच नहीं जाती है। क्या कहते हैं बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।